एक बार सभी मित्रों को गोविंद उपाध्याय का नमस्कार। जय श्री राम। मैं एक बार पुनः अपनी नई कविता नई कृति लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूँ। कविता का शीर्षक है प्रकृति का न्याय। मित्रों, वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी हम लोगों के बीच में आकर के घर की हुई है, जिसमें प्रकृति का किस प्रकार से न्याय हुआ है उसी को दर्शाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन जरूर करिएगा एवं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कविता इस प्रकार है, पंक्तियां पेश कर रहा हूं। कुदरत के निरीह फैसले देख के मन पगलाता है। घर को जेल बना डाला है, आया धन उड़ जाता है। कुदरत के निरीह फैसले देख के मन पगलाता है। जो पूंजी हमने है कमाई पल पल खून पसीने से, आह लगी उस पक्षी पशु के जिसको नर खा जाता है। अब बैठे घर में सिहरन सी, घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हो गया है, तो इस स्थिति में कमाया हुआ धन ही पास से निकल रहा है। अब बैठे घर में सिहरन सी, होती रक्त भुजाओं में, क्रंदन करती विदुर नीति अब भक्ति की शक्ति दुआओं में। शाकाहारी खाने वाले का मन भी अब घबराता है। देख के भाई बंधु के तन विश्वव्याप्त दुखित हो जाता है। जिस प्रकार से अपने भाई बंधु अपने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति है, जिस प्रकार से हमारे किसी न किसी भाई के शरीर में कोरोना वायरस कोरोना की महामारी आ जा रही है, उस प्रकार से देख करके मन बड़ा विक्षिप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। उसी पर शाकाहारी खाने वाले का मन भी घबराता है। देख के भाई बंधु के तन विश्वव्याप्त दुखित हो जाता है। कैसी न्याय चक्र पहेली ईश्वर बना दिया तुमने। मानवी न्याय प्रथा से भी अच्छा प्रकृति न्याय मिल जाता है। जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड में आगे समय बीतते बहुत दिनों के लंबे अंतराल के बाद न्याय मिला, न्यायाधीशों के द्वारा न्याय दिया गया। लेकिन यह जरूर है कि वो न्याय उतना समय बाद मिला है और कितने मशक्कत करने के बाद मिला है, लेकिन प्रकृति का जो न्याय है वो एक कदम सटीक और सही मिलता है। जिसे बोला जाता है, मेरे मालिक के हिसाब में सबका चलता खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता, किसी को कौड़ी ज़्यादा। उसी प्रकार से कैसी न्याय चक्र पहेली ईश्वर बना दिया तुमने। मानवी न्याय प्रथा से भी अच्छा प्रकृति न्याय मिल जाता है। मांस भक्ष की भक्षण ना कर आत्मगति की संगत कर। कृषक संपदा का प्रसाद पाकर ही तुम पंगत कर। गोविंद प्रतिज्ञा कर ले अब कुदरती न्याय सदा होता। जीव जंतु पर दया दिखा भंग दिखा ना रंगत कर। कुदरत के निरीह फैसले देख के मन पगलाता है। घर को जेल बना डाला है, आया धन उड़ जाता है। मेरी यह कविता कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर हमको अवगत कराएंगे। हमारे शुभचिंतकों मित्रों, सबसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कविता में अगर कोई त्रुटि हो तो हमको जरूर मेरे चैनल के माध्यम से बताने की कृपा करें। आप सबका हार्दिक आभार, दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार सभी मित्रों को गोविंद उपाध्याय का नमस्कार। जय श्री राम। मैं एक बार पुनः